नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर पी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आर पी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर सिविल ब्रांच के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड CE 5001 यानी कि डिजाइन ऑफ स्टील एंड आरसीसी स्ट्रक्चर्स में A+ ग्रेड लेके आनी है। आज हम इस वीडियो में बीम की जो डिजाइन से संबंधित प्रश्न करना प्रारंभ करेंगे। तो शुरुआती जो प्रश्न है वो ले रहा हूं मैं एनालिटिकल यानी कि वैश्लेषिक। वैश्लेषिक प्रश्न का तात्पर्य होता है द मीनिंग ऑफ एनालिटिकल प्रॉब्लम इज टू फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ बीम सेक्शन यानी किसी धरण के खंड की आपको सामर्थ्य ज्ञात करनी है। डिजाइन में क्या होता है कि आपको लोड वगैरह दिए होते हैं तो आपको सेक्शन चूज करना पड़ता है और एनालिटिकल जो प्रॉब्लम होती है ना एनालिटिकल यानी कि वैश्लेषिक उसमें सेक्शन दे रखा होता है। जैसे कि ये क्वेश्चन है 2017 स्पेशल में आया हुआ जिसको कि मैंने ये पेपर का ही हिस्सा है जो पढ़ रहा हूँ मैं आपके लिए। आपको जो मैंने पीडीएफ देखी ना पीडीएफ उसमें पेज नंबर 38 पर ये क्वेश्चन है और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ देखिएगा। ISLB दिख रहा है ना ISLB इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम ISLB 350 एट द रेट ऑफ 486 न्यूटन पर मीटर की अभिकल्पन बंकन सामर्थ्य ज्ञात करिए। धरण को पार्श्वतः सहारा दिया गया है। अभिकल्पन कर्तन बल वी का माप अभिकल्पन कर्तन सामर्थ्य से कम है। स्टील का ग्रेड Fe410 मानी है। इंग्लिश में डिटरमाइन द डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ ISLB 350 एट द रेट ऑफ 486 न्यूटन पर मीटर कंसीडरिंग द बीम टू बी लेटरली सपोर्टेड या लेटरली रेस्टेंट भी कहते हैं। The design shear force capital V is less than the design shear strength. Assume steel of grade Fe410. ये मैंने पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ के सुनाया है। अब आप देखिए इस प्रश्न को करना कैसे। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे जब प्रश्न पढ़ लिया ना आपने तो आप लिखेंगे गिवन क्या व्हाट इज गिवन क्या आपको डाटा दे रखे हैं। तो ये गिवन है कि ISLB 350 एट द रेट 486 न्यूटन पर मीटर। अच्छा यहाँ एक बात और बता दूं आपका कई बार आप लोग समस्या में पढ़ सकते हैं तो थोड़ा सा आपको मुझे बताना पड़ेगा। देखिए ISLB 350 एट द रेट 486 न्यूटन पर मीटर अगर मैं स्टील टेबल निकालूं और उसमें निकालूं ISLB 350 आप देखेंगे ये पेज नंबर 2 देखना हैंडबुक का टेबल का नहीं हैंडबुक का ये ISLB 350 है दिख रहा आपको ISLB 350 दिख रहा नहीं। यहाँ ये देखो ये जो कॉलम है आपका ये लिखा है वेट पर मीटर या केजी में है यानी केजी में दे रखा है पर मीटर वेट इसका। तो ISLB 350 आप जो देख रहे हैं इसका वेट पर मीटर 49.5 है। अब यहाँ स्टूडेंट बड़ा कई बार गलतियां कर बैठते हैं वो चक्कर में पड़ जाते हैं कि हमको तो क्वेश्चन में ISLB 350 दिया है और यहाँ दे रखा 486 न्यूटन पर मीटर और यहाँ तो ये 49.5 है। ये वैसा ध्यान रखना केजी पर मीटर में आप जानते हैं कि अगर हम केजी पर मीटर को बदले न्यूटन पर मीटर में तो आपको जी से गुणा करना पड़ेगा 9.81। अगर मैं देखिएगा ये जो वैल्यू है ये बात एकदम क्लियर करना बहुत जरूरी है इस स्टेज पर। ये जो आप देख रहे हैं इसमें दे रखा है 49.5 अगर मैं इसको 9.81 से गुणा करता हूँ तो आप देखिएगा ये कितना आ रहा है 485 दिख रहा है ना आपको 485.59
485.59 जो है वो लगभग आपका 486 ही होता है, देखिएगा 485.59, इसको हम लगभग 486 कह सकते हैं। ये बात आपको दिमाग में बैठानी बहुत जरूरी है सभी स्टूडेंट्स को, इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो स्पेशली तैयार किया हर चीज को समझाने के लिए, तो आप कभी इससे कंफ्यूज ना होइएगा। अगर आपको एग्जाम में 486 न्यूटन पर मीटर दिया है, किसी भी और कोई नाप दिया न्यूटन पर मीटर में, उसको 9.81 से आप डिवाइड करेंगे ना तो केजी पर मीटर में आ जाएगा, जो कि आपको मिलेगा टेबल से। तो बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं सोचता हूँ ये बात आपके क्लियर हो गई। तो आई एस एल बी 350 एट द रेट ऑफ 486 न्यूटन पर मीटर, ये गिवन डाटा है। दूसरा क्या है, बीम इज लेटरली रेस्ट्रेंड, पार्श्व अवरुद्ध है, आपके जो सिलेबस में डिप्लोमा में है वो लेटरली रेस्ट्रेंड बीम की डिजाइन ही है, और ये लिख दिया तो अच्छी बात है। अब आपको इसमें क्या रखा कि जो डिजाइन शेयर फोर्स है, यानी कि अभिकल्प अपरूपण बल है जिसको हम कैपिटल बी कहते हैं, वो लेस देन डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ है, यानी जो इसकी अपरूपण सामर्थ्य है ना बीम की, उससे एक्चुअली जो शेयर फोर्स है वो कम है। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि बीम शेयर में सेफ है, तो हमको शेयर में इसको चेक नहीं करना है, बीम को शेयर में चेक नहीं करना कुछ भी। वैसे भी आपको लोड वगैरह तो दिया ही नहीं है, नो एनी लोड इज गिवन, लेकिन इसका मीनिंग समझना जरूरी है कि दिया क्यों ये, तो मैंने इसको यहाँ नोट किया है। इट इज द वे टू से दैट द बीम इज सेफ इन शेयर, यानी ये जो आपको लिखा गया ना, ये बताने का प्रयास किया गया एग्जामिनर द्वारा कि बीम जो है वो शेयर में सेफ है, आपको उस बारे में सोचना भी नहीं है। और स्टील ग्रेड Fe410 इज यूज्ड, स्टील में ये काम में लेते हैं, तो इसके लिए जो होता है इसकी जो Fi की वैल्यू होती है वो हमेशा 250 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर ली जाती है इस स्टील ग्रेड के लिए, जब जानते हैं हम पहले से इसको कर चुके कई बार। ये तो आपको डाटा जो है जो दे रखे हैं, तो आपने जो भी डाटा देखे हैं क्वेश्चन में सारे लिख लिए आपने। फाइंड क्या करना है, डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ, यानी कि अभिकल्प बंकन सामर्थ्य आपको ज्ञात करनी है। तो बड़ा आसान प्रश्न दे दिया है, ये आपके 8 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिए, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, डिजाइन का नहीं है, ये केवल डिजाइन स्ट्रेंथ निकालने का बीम सेक्शन दे रखा है। तो आपको कोड का यूज पर आना चाहिए, देखिएगा पेज 53 पर क्लॉज नंबर 8.2.1.2, पेज 53, इस पे आपको ये मिलेगा पेज 53 पर। ये देखिएगा पेज नंबर 53 क्लॉज 8.2.1.2 दिख रहा है, यहाँ देखिएगा MD=, आपको लिखा मिलेगा βB(ZP)(FI)γMO। ये फॉर्मूला है, और MD का मतलब क्या है, साफ साफ लिखा हुआ है इसके अंदर कि जो MD है वो डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ है, द डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ, द डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ MD शैल बी टेकन एज दिस। अगर हम इस फॉर्मूले में जो कि कोड ने दिया है, कहीं आपको याद करने की जरूरत नहीं, रटने की जरूरत नहीं, कोड के अंदर ये बस आपको पेज नंबर ध्यान होना चाहिए 53। अगर आप ये 1, 2, 3 और 4 से जब पता कर लो तो आपको ये स्ट्रेंथ पता हो जाएगी। अब बीटा बी कैसे पता करें, तो बीटा बी के पता करने के लिए आपको, देखिए मैंने सब यहाँ लिखा हर चीज को, पहले ये फॉर्मूला लिख दिया, जो कि आप जब भी एग्जाम में क्वेश्चन करें ना तो ये जरूर आप लिखें इस तरह से कि पेज 53 क्लॉज नंबर ये, इसको हमने फॉर्मूला नंबर 1 कह दिया, क्योंकि मैं सब इसमें डाटा रखूंगा आंसर निकालने के लिए। अब ये जो आपको सेक्शन दे रखा है बीम का ISLB 350, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको ध्यान होनी चाहिए, और ये जो प्रॉपर्टीज है ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ मैं आपको। बीटा बी निकालने के लिए कुछ खास बातें आपको ध्यान रखनी है, और उसके लिए आपको पेज 18 पे जाना होगा, पेज 18 ध्यान दीजिएगा, पेज नंबर 18 कोड के पेज नंबर आप मत भूलिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है पेज नंबर ही होता है, पेज नंबर 18 भी होगा, और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला ये फिगर,
ये पेज नंबर 19 पर है, ये फिगर पेज नंबर 19 पर मिलेगा। वैसे तो नॉर्मली ये जो फ्लेंज होता है ना, हाई सेक्शन का फ्लेंज, उसकी विड्थ को बी कहते हैं, यहां से लेके यहां तक, जो आपको हैंडबुक में मिलेगा। लेकिन अभी जब हम एक डाटा काम लेंगे बी, उसमें ये बी आधी फ्लेंज विड्थ है, ये पूरी फ्लेंज विड्थ का जो आधा होता है ना, उसी को उसको बी नाम दिया गया, जबकि हैंडबुक के अंदर बी यहां से लेके यहां तक आ गया। तो हैंडबुक का जो बी है वही काम आएगा, लेकिन उसको आधा करेंगे तब ये बी काम आएगा फॉर्मूले में। अब देखिएगा ध्यान से, अब देखेंगे पेज नंबर 18 और 19। अब देखिए पेज नंबर 19 दिख रहा है आपको, आपके बाकी सेक्शन काम। अच्छा, ये जो फिगर दिख रहा है आपको, ये सारे इतने सारे, ये सारे बीम के जो सेक्शन काम में आ सकते हैं ना, अलग अलग एक क्वेश्चन बन सकता है आपके, तो डिफरेंट बीम सेक्शन को बताइए, उस थ्योरेटिकल क्वेश्चन के अंदर ये काम आ जाएगा आपके। लेकिन फिलहाल डिजाइन में आपके ये आई सेक्शन ही होता है। ये देखिए आई सेक्शन, इसमें ये बीम का क्रॉस सेक्शन है, इसमें देखिए ये जो फ्लेंज की विड्थ है, इसकी जो आधी है यहां से लेके यहां, इसको बी कहा गया है, और टीएफ का वाला थिकनेस ऑफ फ्लेंज। तो आपको बी और टीएफ निकालना, लेकिन ये जो बी निकलेगा ना, ये हैंडबुक में जो बी दे रखा है उसका आधा होगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ लिखा भी है स्टार लगा के, बी केयरफुल, यहाँ सावधान रहना है। बी को लिखा मैंने 165/2, ये कहाँ से लिया, ये कैसे लिया मैंने 165/2? तो आप ध्यान से देखिएगा, ये जो हैंडबुक है, हैंडबुक से भी दे सकते हैं, और कोड में जो पेज नंबर है वहां से भी दिया जा सकता है वैसे तो, हाँ यहाँ से भी ले सकते हैं। ये कौन सा है आपके, ISLB 350, ये पेज नंबर 138-139 है ना कोड का, ISLB 350, आप देखिएगा। ISLB 350, ये देखिएगा, ये पेज नंबर है 138, ये देखिएगा ISLB 350, और यहाँ देखिएगा आपको मिलेगा यहाँ पे विड्थ ऑफ फ्लेंज, जिसको BF कहा गया है, क्या कहा गया, BF, विड्थ ऑफ फ्लेंज, ये आपको मिलेगी यहाँ पे 165, कितनी है देखिए 165। और हमको जो है इसके अंदर 165 की आधी लेनी है, we have to take 165/2, ये 82.5 mm आ जाएगी। वैसे ये डाटा आपको कोड में मिल जाएगा, ये डाटा आपको कोड में मिल जाएगा, ISLB 350, ये कोड नहीं सॉरी हैंडबुक, ये हैंडबुक का पेज नंबर 2 देखिए आप, हैंडबुक का पेज नंबर 2, ISLB 350, ये देखिए ISLB 350, यहाँ भी आपको मिलेगा 165, दिखता है आपको ये 165। लेकिन यहाँ देखिए इन्होंने फ्रेंच बिट को बी नाम दिया है, ये हैंडबुक में इसको बी कहा है, देखिए यहाँ पे फिगर देखिएगा, इसको बी कहा गया है। हमें जो अभी काम लेना बी, वो ये नहीं है, वो आधा है। तो ये हैंडबुक में तो इसको बी कह रहे हैं और कोड में इसको BF कह रहे हैं, ये बातें कंफ्यूज करने वाली है। लेकिन मैं चाहता हूँ आपके दिमाग में जो मुझको सुन रहे हैं, जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, उनके दिमाग से कोई भी कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए। ये बी और हैंडबुक का BF एक ही बात है, नो एनी चेंज। पर यहाँ जो बी काम मिलेंगे इस फिगर के अंदर, वो इस फ्लेंज विड्थ का आधा होगा। ये बातें आपको दिमाग में एकदम से रखनी है ध्यान में। तो 165/2 करेंगे 82.5 आ गया, और जब TF देखेंगे थिकनेस ऑफ फ्रेंच, तो आपको मिल जाएगी 11.4 mm। यहाँ मैंने ध्यान दिया स्टार लगा के, कहा बी केयरफुल, आपको यहाँ सावधान रहना है। अब देखिए पेज 18 पर ही आपको एक मिलेगा एप्सिलॉन, ये फॉर्मूला है 250/FY^2, ये काम आता है कि बीम की क्लास क्या है, क्लास 1 है, 2 है, 3 है, जो भी है, उस चक्कर में हमको इसे बताना पड़ता है। पेज 18 ये देखिएगा,
देख रहा पेज 18 हैंडबुक का, कोड का, ये कोड का पेज 18 है। और यहाँ देखिएगा आपको मिलेगा ये लिखा हुआ, ये नोट्स है ना, नोट्स तो सेकंड नोट देखिएगा, एप्साइलन इजिकल टू, इसको ई को हम बोलते हैं एप्साइलन इजिकल टू 250 अपॉन एफ आई रेस टू 1/2। तो एफ आई तो हमेशा 250 ही लेते हैं, 250 बड़ा 250 एक की पावर 1/2, वन की कोई पावर करो वन का रूट वन ही होता है, ठीक है। नॉर्मली आपके हमेशा ये तो एप्सिलॉन जो आपका वन ही आएगा, और अगर ये वन आता है एप्सिलॉन तो देखिए ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। ये टेबल टू देख रहे हैं आप, टेबल टू यहाँ देखिएगा आपको बीम की तीन क्लास मिलेगी, क्लास वन क्लास टू क्लास थ्री। बीम के डिजाइन में ये बहुत काम की चीज है। तो क्लास वन जो होती है वो प्लास्टिक, क्लास टू जो होती है वो कॉम्पैक्ट, और क्लास थ्री जो होती है वो होती है सेमी कॉम्पैक्ट। अब ये जो हमारे काम आएगा हमेशा रॉड स्टील सेक्शन, वेल्डेड सेक्शन काम नहीं आएगा। आपके जितने भी सवाल है वो रॉड स्टील सेक्शन पे होंगे, तो हमको ये वाला ही काम लेना है केवल ऊपर वाला। तो आप देखेंगे ये रेशियो, आप देख रहे बी अपॉन टी एफ, बी अपॉन टी एफ जो मैंने अभी समझाया था आपको, अगर बी अपॉन टी एफ जो है 9.4 एप्सिलॉन तक है, और एप्सिलॉन यहां से निकलेगा, ये फॉर्मूला एप्सिलॉन का 250 अपॉन एफ आई रेस टू 1/2। अगर बी अपॉन टी एफ की वैल्यू 9.4 एप्सिलॉन तक या उससे कम है, लेस देन और इक्वल टू, तो ये प्लास्टिक क्लास कहलाएगी, क्लास वन प्लास्टिक हो गई। अगर बी अपॉन टी एफ का जो रेशियो है 9.4 एप्सिलॉन को क्रॉस कर जाता है लेकिन 10.5 एप्सिलॉन से कम है, उसको हम कहेंगे कॉम्पैक्ट यानी कि क्लास टू। और अगर 10.5 एप्सिलॉन को क्रॉस कर जाता है और 15.7 एप्सिलॉन से कम है, या 15.7 तक मान लो इसको, यानी 10.5 को तो क्रॉस कर जाए और 15.7 एप्सिलॉन तक हो सकती है, तो वो कहलाती है सेमी कॉम्पैक्ट। तीन क्लास है, और इसके बाहर चले जाए तो हमको रीडिजाइन करना पड़ेगा, इसकी नौबत कभी नहीं आएगी। हम जब डिजाइन करेंगे हमेशा इन दो में से कोई एक होना चाहिए मोस्टली। तो अब देखिएगा कि कौन सा, अच्छा ये जो पहले दो केस है ना, क्लास वन क्लास टू यानी कि प्लास्टिक हो या कॉम्पैक्ट हो, उसके लिए आपको फॉर्मूला दे रखा है। ये देखिए ध्यान से इसको, ये पेज नंबर आप देखेंगे 53, फिर मैं आपको ले जा रहा हूँ पेज नंबर 53 पर। अब पेज नंबर सब याद कर लीजिएगा, पेज नंबर अगर भूल गए ना तो आप कर नहीं पाएंगे। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये वाला, इसमें साफ लिखा हुआ है बीटा बी की वैल्यू 1.0 ली जाती है, बीटा बी इज ऑलवेज टेकन एज 1 फॉर प्लास्टिक एंड कॉम्पैक्ट सेक्शंस, यानी कि क्लास 1 और क्लास 2 जो है ना उसके लिए बीटा बी हमेशा 1 लेते हैं। हाँ अगर वो तीसरी स्टेज आ जाए जिसमें कि सेमी कॉम्पैक्ट हो, तो उस केस में आपको जेड इलास्टिक अपॉन जेड प्लास्टिक ये निकालना पड़ेगा, वो बीटा बी की वैल्यू होगी। जेड इलास्टिक आपको मिलेगा स्टील टेबल में, और जेड प्लास्टिक भी मिलेगा स्टील टेबल के अंदर, उसका जो रेशियो होता है वो बीटा बी होता है। लेकिन हमारा अगर ये जो रेशियो है कॉम्पैक्ट या जो आपके प्लास्टिक या कॉम्पैक्ट उसके अंदर इसकी वैल्यू 1.0 होगी, अब निकालना पड़ेगा। मैंने देखिए निकाला है, एप्सिलॉन हो गया 250 अपॉन 250 रेस टू 1/2, यानी कि 1 रेस टू 1/2, यानी 1 का रूट तो वही होता है क्योंकि एफ आई 250 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फॉर एफ ई 410 स्टील जो आपको दे रखा है। अब देखिएगा मैंने क्या किया कि 9.4 एप्सिलॉन, 10.5 एप्सिलॉन और 15.7 एप्सिलॉन जो तीन रेंज है ना उसके हिसाब से एप्सिलॉन को 1 लेते हुए, तो 9.4 होगा, ये 10.5 होगा, ये 15.7 होगा, ताकि कंपेयर कर सके। अब देखिए हमारा रेशियो बी अपॉन टी एफ, बी मैंने आपको बताया था अभी भी थोड़ी देर पहले, 165/2 यानी कि 82.5, बी है आपका 82.5, टी एफ टेबल से मिलेगा 11.4 एम एम, तो बी अपॉन टी एफ कितना आ गया 7.2368। और अब देखिएगा ये जो बी अपॉन टी एफ है, ये देखिएगा पेज 18 जो है ना,
उसके अंदर चीजें हैं आपके पेज 18 पे। मैंने कहा था ना आपको कि बी अपॉन टी एफ की जो वैल्यू आती है अगर 9.4 एप्सिलॉन या उससे कम है तो आपको कह रहेंगे क्लास वन यानी प्लास्टिक, और आपके यहाँ पे वो इसी रेंज में आ रही है जो हमने निकाला अभी हमारे इस सेक्शन के लिए। बी अपॉन टी एफ वो 7.236 आ रहा है जो कि 9.4 एप्सिलॉन से कम या बराबर की रेंज में आता है। सो बीम सेक्शन इज क्लास वन। कि हर चीज के नंबर होते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना हर चीज के मार्क्स होते हैं। आप कोई भी चीज हवा में नहीं करना है, लिख के उसको बताना है कि कहाँ से लिया आपने। तो ये पेज 53 क्लॉज 8.2.1.2 जहां से बीटा बी की वैल्यू मैंने वन ले ली, क्योंकि उसमें क्या रखा बीटा बी की वैल्यू अगर ये वाला केस है तो वन होती है। अब हमारा ये पहला मामला क्लियर हो गया। ये वाली परीक्षा से अब तक जो बताया आपको समझ में आ गया होगा। और एफ आई तो 250 न्यूटन पर मीटर होता ही है। अब जेड भी डायरेक्टली दे रखा टेबल के अंदर, जेड भी तो डायरेक्टली दे रखा है। जेड भी फ्रॉम गिवन टेबल, जेड भी फॉर गिवन बीम सेक्शन। अब जेड भी का मतलब है जेड पी जेड, ये आपको मिल जाएगा टेबल 46 एनेक्सर एच पेज 138। ये आपको पेज 138 पे मिलेगा। हर चीज एक बार आपको समझ में आ जाएगी फिर कभी नहीं भूलेंगे आप। पेज 138 और ये एनेक्सर एच और टेबल 46 और बीम सेक्शन क्या था आईएसएलबी 350। यहाँ देखिएगा एक कॉलम मिलेगा आपको यहाँ पर। अच्छा मैंने आपको पहले एक देखिएगा आप हमारे उसके अंदर पीडीएफ के अंदर मैंने बताया जो लास्ट के जो तीन कॉलम है 10, 11, 12 ये बड़े काम के हैं। ये देखिए ये तो है सेक्शन मॉडुलस, ये है प्लास्टिक मॉडुलस जेड पी। तो ये जेड पी आगे देखिए, ये देखिए जेड पी जेड लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना ये तो आपको देखा मिलेगा जेड पी जेड जेड पी जेड। तो ये जो जेड है ना इसका मतलब है जेड एक्सिस, जैसे हम नॉर्मली एक्स एक्सिस कहते हैं ना वो जेड एक्सिस होगी। तो जेड पी जेड ही जेड पी है, वो आपको मिल जाएगा डायरेक्टली इससे। अब देखेंगे ध्यान से अगर ये जो टेबल ये अपना ISLB 300 पर, मैं आज क्योंकि मेरा पहला वीडियो है आपके बीम सेक्शन पर इसलिए मैं डिटेल में जा रहा हूँ। बाद में जितने भी सवाल करूंगा मैं डायरेक्टली कह दूंगा ये वैल्यू वहां से उस पेज से ली गई है। तो एक बार आपको दिखा दूंगा तो आपको ध्यान बढ़ जाएगा, आपको भी गलती नहीं करेगी। तो ISLB 350 के लिए आपको देखो ये मिल जाएगी, टिक लगा रखा मैंने, कितनी है 851.11 851.11। और यहाँ देखिएगा क्या लिखा हुआ है सेंटीमीटर क्यूब, याद रखना इस चीज को। आपको प्लास्टिक मॉडल दे रखा है सेंटीमीटर क्यूब के अंदर और 851.11 ये 851.11 851.11 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हम जब डाटा लिखते हैं ना सारे न्यूमेरिकल्स के अंदर तो एमएम क्यूब में लिखेंगे, और आप जानते हैं कि एक सेंटीमीटर में 10 mm होता है ना, एक सेंटीमीटर क्यूब में 10³ क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब को mm क्यूब में बदलने के लिए 10³ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो वो जो 851.11 दे रखा था टेबल में, तो ये दे रखा आपको टेबल में आपको 851.11 दे रखा सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको mm क्यूब में बदलने के लिए मैंने 10³ से गुणा कर दिया। हर स्टेप को ध्यान से देखिएगा 851.11 × 10³ mm³ होती है। अच्छा गामा एम जीरो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, ये आपको टेबल 5 पेज 30 में मिलेगा। टेबल 5 पेज 30 देखिएगा, पहले भी हम इसको काम ले चुके हैं पेज 30 हमने जब आप वो कराया था ना याद कीजिए यूनिट 1 ने टेंशन में मतलब इसको काम में लिया था। अब देखेंगे गामा एम ओ जो है इसकी वैल्यू हमेशा 1.1 ही होती है, दिख रही है आपको पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। ये मटेरियल के लिए होती है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर्म फॉर मटेरियल्स, बीम का जो मटेरियल है ना उसके लिए। तो ये आपके हो गए।
और ये आपके बीम के क्वेश्चन में हमेशा 1.1 ही होगा ऑलवेज। अब सारी बातें हमको पता पड़ गई, तो वो जो फॉर्मूला नंबर वन था उसमें मैंने सब वापस ले दिया उस फॉर्मूले को। अब देखिए बीटा भी कितना निकला था 1, जेड भी 851.11 इंटू 10 की पावर 3, और एफ आई 250 अपॉन गामा एम ओ 1.1, ये हमारा आंसर किसमें आएगा? क्योंकि हम सब न्यूटन एमए में चल रहे हैं ना, तो ये है एम का मतलब होता है आपके बेंडिंग स्ट्रेंथ, एम डी है ना बेंडिंग स्ट्रेंथ, तो बेंडिंग स्ट्रेंथ का मतलब आपके इसकी जो इकाई होगी न्यूटन एमएम होगी, तो ये आ गई न्यूटन एमएम। बेंडिंग मोमेंट की इकाई क्या होती है? न्यूटन एमएम होती है ना, तो बेंडिंग स्ट्रेंथ भी न्यूटन एमएम ही होगी। आप जब सॉल्व करेंगे इसको तो 1934340909 न्यूटन एमएम आएगी। लेकिन नॉर्मली जो आंसर देते हैं और आपको जो क्वेश्चन मिलता है कई बार एग्जाम में, उसमें यूनिट मिलेगी आपको किलो न्यूटन मीटर। आप जानते हैं कि एक किलो न्यूटन में 1000 न्यूटन होते हैं और एक मीटर में 1000 mm होते हैं, तो एक किलो न्यूटन मीटर में 1000 × 1000 यानी 10^6 न्यूटन एमएम होंगे। आपको न्यूटन एमएम को बदलना है किलो न्यूटन मीटर, तो 10^6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने इसको 10^6 से डिवाइड किया तो ये 10^6 में 6 0 आती हैं, तो हमारा पॉइंट 6 स्थान पीछे आ जाएगा। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 193.434909 KNM किलो न्यूटन मीटर, ये हमारा आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है, अगर एग्जाम आ जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया ना, समझाने में मुझे टाइम लगा है, हर चीज को एक एक पॉइंट मैंने क्लियर किया, लेकिन एग्जाम जब आप करेंगे तो मुझे पूरी आशा है ये सवाल 5 से 10 मिनट के अंदर आप कर लेंगे, नॉट मोर देन 10 मिनट, ध्यान रखिएगा नॉट मोर देन 10। और ये सवाल आएगा 10 नंबर के अंदर, सॉरी 8 नंबर के अंदर, और 8 नंबर सवाल अगर आप 10 मिनट में कर लेते हैं इससे बड़ी बात क्या होगी। आप एग्जाम हमेशा उन क्वेश्चंस को पहले कीजिए जो जल्दी होते हो, ताकि जो लेंथी क्वेश्चंस हैं या जो आपको समझ में कम आते हैं, जो हो सकता है बाद में आपको दिक्कत पैदा कर, उनको उनके लिए आपके पास समय मिल सके, ऐसे क्वेश्चन सबसे पहले करने चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और वीडियो पूरा करता हूँ। मुझे आशा है कि आपने इसको बहुत अच्छे से समझा होगा, और इसको वापस से आप रिवाइज करेंगे, इस प्रकार के खूब सवाल करेंगे आप, ताकि आपको बेंडिंग स्ट्रेंथ निकालने में कभी कोई दिक्कत ना आए। वैसे ही बता दूँ आपको मैं, हम जब बीम की डिजाइन करेंगे ना, तो हम जब सेक्शन चूज करेंगे तो उसको वापस स्ट्रेंथ के लिए चेक भी करेंगे, जैसे कहते तो एक तरह का चेक है। लेकिन फॉर्चुनेटली उस पेपर के अंदर ये जो 2017 पेपर आया, तो बहुत आसान पेपर आया था ये। ये सवाल देखिए कितना आसान है, ईश्वर करे आपके भी ऐसा आसान सवाल आ जाए तो बड़ा अच्छा हो जाए। तो इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू।